हेलो दोस्तों, ऑटोट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में चार ऐसी कारों की जिनका ग्लोबल एनसीएपी ने अभी हाल फिलहाल में क्रैश टेस्ट किया है। और ये कारें इंडिया में काफी फेमस हैं और इनकी सेल्स फिगर भी अच्छी खासी है, लेकिन इनके रिजल्ट्स जो रहे हैं वो काफी शॉकिंग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन चार कारों का क्रैश टेस्ट किया गया। सबसे पहले लिस्ट में मैं लेना चाहूंगा वैगन आर को, दूसरे नंबर पे मारुति की ही अर्टिगा है, तीसरे नंबर पे हुंडई की न्यू सेंट्रो है और चौथे नंबर पर डैटसन रेडिगो है। इन चारों कारों का क्रैश टेस्ट अक्टूबर 2019 में किया गया है। और पहले तो मैं आपको बता दूं क्रैश टेस्ट होता क्या है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। अमूमन क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनसीएपी द्वारा करवाया जाता है। इसमें टेस्ट किया जाता है कि कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स कितने सुरक्षित हैं। जनरली ये कार का जो क्रैश टेस्ट किया जाता है वो 64 किलोमीटर पर आर पे किया जाता है। और इसके अलग अलग मापदंड होते हैं कि अगर पैसेंजर या को पैसेंजर बैठा है और साथ ही जो और पैसेंजर्स बैठे हुए हैं कार में पीछे की तरफ या बच्चा बैठा है, तो जब इम्पैक्ट होता है, जब कार का एक्सीडेंट होता है, तो उनके हेड में, उनके नेक में, अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में किस तरह की इंजरी होती है और वो कितने इंटेंसिटी से होती है, कितने वो सुरक्षित है इस क्रैश टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम पहली कार की बात करते हैं, वैगन आर। मारुति की वैगन आर इंडिया में यूं तो बहुत फेमस कार है, लेकिन जो क्रैश टेस्ट में इसकी रेटिंग आई है वो काफी डिसअपॉइंटिंग रही है, काफी निराशाजनक रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि अडल्ट ऑक्यूपेंट में वैगन आर ने 2 स्टार गेन किए हैं, वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के मामले में, मतलब चाइल्ड सेफ्टी के मामले में सिर्फ 2 स्टार गेन किए हैं। और ये काफी मेरे हिसाब से निराशाजनक है, क्योंकि वैगन आर एक अच्छा खासा इंडिया में एक अच्छी खासी सेलिंग का प्रोडक्ट है। और हाल फिलहाल में उन्होंने काफी अपग्रेड करके वैगन आर को लॉन्च किया। आपको बता दें जिस कार का ये क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सिर्फ ड्राइवर एयरबैग थे, और क्रैश टेस्ट में ये पाया गया कि बॉडी शेल इंटीग्रिटी जो होती है, मतलब कार की जो पोजीशनिंग है, वो काफी अनस्टेबल पाई गई है। वहीं हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जब ये क्रैश टेस्ट हुआ था तो सबसे पहले मैं ड्राइवर पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि हेड और नेक के मामले में गुड सेफ्टी मानी गई है, वहीं चेस्ट के मामले में, यानी जो ड्राइवर का अपर पार्ट होता है, जो वीक माना गया है, यानी एकदम बॉर्डर लाइन पे भी नहीं, काफी सेफ्टी के मामले में ये कार ड्राइवर के अपर पार्ट में सेफ नहीं है। वहीं लोअर पार्ट में भी अगर देखें तो ड्राइवर के अगर लेग्स और थाइस को हम देखें तो उसमें भी मार्जिनल मिली है ड्राइवर क्रैश टेस्ट में। वहीं को ड्राइवर की हम बात करें तो इसमें आपको को ड्राइवर में हेड पे तो गुड प्रोटेक्शन मिल रहा है, गर्दन में, नेक में आपको एडिक्वेट मिल रहा है, और वहीं चेस्ट में वीक प्रोटेक्शन है। और वहीं लोअर पार्ट की बात करें तो उसमें भी मार्जिनल मिली है। अगर आप समझें तो ये एक अच्छा साइन नहीं है वैगन आर जैसी गाड़ी के लिए, क्योंकि उसमें हमें उम्मीद थी कि एटलीस्ट 3 स्टार भी अगर रेट कर लेती तो 3 स्टार भी 5 में से एक ठीक ठाक स्कोर होता है और गाड़ी एक सेफ कैटेगरी या ओके कैटेगरी में आती, लेकिन 2 स्टार मैं समझता हूँ कि परफेक्ट नहीं है। वहीं हम अगर चाइल्ड ऑक्यूपेंट की भी बात माने तो चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी ये कार सेफ नहीं मानी गई है। और इसमें अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के नाम पे देखें तो इसमें ड्राइवर एयरबैग मौजूद था, SBR था और ABS ब्रेक था, चाइल्ड आइसोफिक्स सीट इसमें नहीं थी, और इसी वजह से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं स्कोर किया है। साथ ही इस कार में जो 3-पॉइंट सीट बेल्ट होते हैं सारे पैसेंजर्स के लिए वो नहीं थे। ये भी एक बड़ी वजह है कि क्रैश टेस्ट में इस कार की जो रेटिंग कम आई है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें सीट बेल्ट के 3-पॉइंट सीट बेल्ट का ना होना भी है। वहीं हम प्राइस की बात करें तो वैगन आर आपको एक शोरूम 4,30,000 से लेके 5,90,000 में आती है, जो कि एक हैचबैक के हिसाब से ठीक ठाक प्राइस होती है। वहीं हम मारुति की अगली कार की बात करते हैं, मारुति सुजुकी अर्टिगा। अर्टिगा का जो क्रैश टेस्ट किया गया था इसमें 2 एयरबैग थे और अडल्ट ऑक्यूपेंट में इसने 3 स्टार गेन किए थे, वहीं चाइल्ड सेफ्टी के मामले में भी इसने 3 स्टार गेन किए। मेरे हिसाब से अर्टिगा का ये एक ठीक स्कोर है, ओके स्कोर है अगर क्रैश टेस्ट की बात करें। और वैसे तो और भी ऐसी MPVs हैं जो
इससे ज़्यादा सेफ हैं, चाहे हम होंडा BRV की बात करें, चाहे महिंद्रा की मराजो की बात करें और या टोयोटा की इनोवा। लेकिन इन सब से मारुति सुजुकी अर्टिगा का रेट कम है। तो क्रैश टेस्ट में एक और चीज पाई गई थी इस कार की भी, जो बॉडी शेल इंटीग्रिटी थी वो अनस्टेबल पाई गई थी। और वहीं हम ग्राफिक्स की बात करें तो ड्राइवर के साइड इसके हेड और नेक की प्रोटेक्शन गुड पाई गई है, वहीं चेस्ट में मार्जिनल यानी एकदम बाउंड्री पे पाया गया है चेस्ट और अपर पार्ट का। और वहीं हम को ड्राइवर की बात करें तो उसको हेड में, नेक में और अपर पार्ट में एक अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, गुड कैटेगरी में ये प्रोटेक्शन मिलती है। जिस कार का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट के नाम पर फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर थे, ड्राइवर साइड फ्रंट ड्राइवर एयरबैग मौजूद था, पैसेंजर एयरबैग मौजूद था, SBR था, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट्स थे और साथ ही ABS ब्रेक। शायद इसीलिए अर्टिगा ने 5 में से 3 स्कोर गेन किए। वहीं हम अगले कार की तरफ चलते हैं तो वो है हुंडई की न्यू सेंट्रो। इस कार ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है क्योंकि हुंडई एक इंटरनेशनल ब्रांड है और अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन हुंडई का जो ये क्रैश टेस्ट हुआ है सेंट्रो का, इसमें क्रैश टेस्ट में अडल्ट ऑक्यूपेंट में सिर्फ 2 स्टार गेन किए हैं, वहीं चाइल्ड सेफ्टी के मामले में भी सिर्फ 2 स्टार गेन किए हैं। अगर इसके हम पॉइंट्स को देखें, 6.74 अडल्ट ऑक्यूपेंट में गेन किया है, वहीं वैगन आर ने इससे ज्यादा गेन किया था। तो यानी वैगन आर इस मामले में सेंट्रो से एटलीस्ट ज्यादा सेफ। वहीं हम ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको ड्राइवर और को ड्राइवर में हेड और नेक में गुड सेफ्टी मिलती है, अच्छी सेफ्टी मिलती है। वहीं अगर हम ड्राइवर के चेस्ट की बात करें तो उसमें वीक प्रोटेक्शन आपको मिलता है, जो कि एक मेरे हिसाब से एक ठीक साइन नहीं है, क्योंकि जो ड्राइवर एयरबैग होने के बाद भी जो स्टेयरिंग की पोजीशनिंग थी वो ड्राइवर के चेस्ट तक हिट करती है, जिससे ये कार सिर्फ 2 स्टार गेन कर पाई है ड्राइवर एयरबैग होने के बाद भी। और वहीं को पैसेंजर को एयरबैग नहीं है तब पर भी उसमें मार्जिनल सेफ्टी गेन किया है। वहीं हम लोअर पार्ट की बात करें तो ड्राइवर को वीक और मार्जिनल प्रोटेक्शन मिल रहा है, वहीं को पैसेंजर में एडिक्वेट और मार्जिनल प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यानी ड्राइवर के लिहाज से ये कार उतनी सेफ नहीं है ड्राइवर एयरबैग होने के बावजूद भी, इसीलिए इसको क्रैश टेस्ट में अडल्ट ऑक्यूपेंट में सिर्फ 2 स्टार रेटिंग गेन किया है। वहीं अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो जिस कार में का ये क्रैश टेस्ट किया गया उसमें ड्राइवर फ्रंट एयरबैग थे, SBR था और साथ ही इसमें ABS ब्रेक था। इस कार में भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण ये इतनी सुरक्षित नहीं पाई गई है, और साथ ही आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी इसमें मौजूद नहीं है। वहीं हम प्राइसिंग की बात करें तो ये कार 4,30,000 से लेके 5,80,000 एक्स शोरूम में आती है। इन चारों में से हम आखिरी कार की बात करते हैं, डैटसन की रेडीगो। ये एक तरह आप कह सकते हैं बजट हैचबैक है, और जिस कार का ये क्रैश टेस्ट किया गया था इसमें सिर्फ 1 ड्राइवर एयरबैग मौजूद था और ये अडल्ट ऑक्यूपेंट में सिर्फ 1 स्टार गेन करती है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही शॉकिंग है डैटसन रेडीगो के कस्टमर्स के लिए और जो लोग लेना चाहते हैं। और साथ ही चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के मामले में भी ये कार ने सिर्फ 2 स्टार गेन किए हैं। इसकी भी बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है। ग्राफिक्स के में आपको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये ड्राइवर के हेड को एडिक्वेट प्रोटेक्शन देता है, जो कि मैं समझता हूं कि उतना सेफ कैटेगरी में नहीं आता, गुड की कैटेगरी में नहीं आता। वहीं नेक में इसमें गुड कैटेगरी मिलती है, और वहीं चेस्ट की बात करें तो ड्राइवर के चेस्ट को पुअर प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं को ड्राइवर के प्रोटेक्शन को मार्जिनल मिलता है। और वहीं लेग्स की बात करें तो आपको ड्राइवर के लोअर पार्ट को एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलती है और वहीं को पैसेंजर्स को गुड प्रोटेक्शन मिलती है। तो ओवरऑल इस कार ने भी जो क्रैश टेस्ट में पॉइंट्स गेन किए हैं ये काफी निराशाजनक रहे हैं। और सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें ड्राइवर एयरबैग मौजूद था और ABS ब्रेक। इस कार में भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं थे और साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का भी कोई प्रोविजन नहीं था। तो दोस्तों ये हो गए हाल फिलहाल में 4 ऐसी कारों की बात जिनके क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP ने रिलीज किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको किस कार ने सबसे ज्यादा क्रैश टेस्ट में निराश किया है और अगले आने वाले क्रैश टेस्ट में आप किस कार का क्रैश टेस्ट देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे।